हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज 26 दिसंबर है। अभी मैं उठा सो करके, थोड़ा फ्रेश वेश हुआ, उसके बाद मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हम लोगों पर। तो विल हैव आवर ब्रेकफास्ट और उसके बाद में आज इधर हाय निक, हाय ब्रोडी, गुड मॉर्निंग। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है सामने में, फेस्टल माउंटेन, और इस तरफ है केवल लेक। तो बस अभी हम लोग आए, ऊपर बैठेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद में फिर मैं आज निकलने वाला हूँ वापस दमोली के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम है और फैमिली को भी मिस कर रहा हूँ, तो मैं वापस चला जाऊँगा दमोली। तो आज शायद मैं लंच करने के बाद यहाँ से 12-1 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाऊँगा, एंड दिस टाइम आई विल बी शूटिंग दैट पार्ट। तो अभी मैं साथ में ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। टिल देन बाय। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अपने होटल रूम से। कल मैंने शिफ्ट कर लिया था यहाँ पे, ये मेरा बेड था, ये निक का, और इधर ऊपर में ब्रोडी रुका हुआ था। और आज निक भी चला जाएगा तो ब्रोडी फिर नीचे शिफ्ट कर लेगा अपने बेड को। बाकी अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और अब मैं पहले जाऊँगा बस पार्क और वहाँ से फिर सीधा बस पकड़ूँगा और निकल जाऊँगा मैं दमोली के लिए। निक और ब्रोडी गए हैं अपना मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए। एक्चुअली कल शाम को उसका फ़ोन गिर गया था, जिस वजह से उसकी जो डिस्प्ले वो टूट गई थी, तो वो गया है अभी अपना फ़ोन बनाने के लिए। लेट्स सी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उन लोगों से मिलूँगा। वैसे मैंने उन्हें कॉल किया था एंड ब्रोडी का फ़ोन लग नहीं रहा है, तो मैं उसको थोड़ी देर बाद ट्राई करता हूँ एक बार, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं निकल जाऊँगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अभी आई एम नॉट श्योर, बट मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, एकदम बैग मेरा पैक है। अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ और वो मुझे ड्रॉप कर देगा टू द नियरेस्ट बस पार्क और फिर मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो सेइंग गुड बाय टू दिस रूम, और काफ़ी सही एक्सपीरियंस था यार यहाँ पे, साफ सफाई वगैरह, और अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लगा। हेलो गाइस, आई एम बैक इन दमोली। एक्चुअली मैं दोपहर में 4 बजे के आसपास दमोली पहुंच गया था, और उसके बाद में फिर मैं इस तरफ पूरा मार्केट एरिया से आया, और ये ऊपर में चर्च है दमोली की, इमैनुअल चर्च। तो ये अभी बंद पड़ी थी, हम लोग अंदर तो नहीं गए, बट अभी मैं वापस जा रहा हूँ, पहले कुछ खाऊँगा क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, और उसके बाद में फिर मैं घर जा के सो जाऊँगा। आज मैं रुक रहा हूँ दमोली में और कल सुबह मैं जाऊँगा फांसी गोवा। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं 2 दिन पहले आ गया था खांसी कुआ, और 2 दिन मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था शूट करने का, तो मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया 2 दिन। और आज है आई थिंक, आज कितने, आज है 29 दिसंबर, और आज मैं कैमरा मैंने उठाया क्योंकि आई वॉज़ फीलिंग वेल, और आज सुबह सुबह मेरा मन किया कि मैं नहा लेता हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से एकदम बेड पे पड़ा हुआ था, तो मैंने नहाया भी नहीं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है, और मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रहा हूँ और उसके बाद मैं हॉट वाटर बाथ लूँगा और उसके बाद में फिर मैं बाहर निकलूँगा। तो अभी नहा रहे हैं, इधर पुष्पा रोटी खा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आग जला करके पहले पानी को गर्म करना पड़ता है और फिर नहाने लायक पानी होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अभी मैं फटाक से पहले नहा लेता हूँ और उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि आज मुझे अपने कपड़े भी धुलने हैं, थोड़े कपड़े मेरे गंदे हो गए थे तो मैं उनको भी वॉश करूँगा, और उसके बाद में फिर मैं आज निकलूँगा शायद आज या
कल या परसों में मैं निकलूँगा पोखरा के लिए। आई एम नॉट श्योर कि मैं पोखरा जाऊँगा, बट मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, आज भी टाइम होगा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट, क्योंकि जो पोखरा में मेरा फ्रेंड था वो इस समय गया हुआ है बुटवल, और वो एक या दो दिन बाद वापस आने वाला है, तो उससे मिलने का प्लान है। उसके बाद में विल हैव सम पार्टी ओवर देयर। तो अभी आई जस्ट हैड माई बाथ, और मस्त गर्म पानी से नहाने के बाद जो फ्रेश फील हो रहा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 9, गर्मा गर्म कॉफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। और आज का प्लान तो है ये कि आज मैं थोड़ा सा अपना जो क्लोथ्स वगैरह है वो वॉश करूँगा, थोड़ा अपने बैग को मतलब अच्छे से असेंबल करूँगा रख। और ये सब होने के बाद में कल शायद यहाँ पे 15 गते कुछ मनाते हैं, कोई फंक्शन कुछ फेस्टिव होता है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी मेरे को भी जानना है, आई एम क्यूरियस ये 15 गते होता क्या है। तो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ मीठा बनाया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, साफ सफाई होती है, तो लेट्स सी। मेरा ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है 15 गते क्या होता है, तो मैं पूछूंगा यहाँ पे चाची से। दिसंबर में पोखरा में मनाऊंगा 31st और 1, और शायद मैं एक तारीख की शाम को वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, तो देखते हैं कैसा रहता है सीन। बाकी 9 बजे कुछ इस तरीके का है सीन, अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और यहाँ पे जो धूप है वो आती है 12-1 बजे के बाद, और शाम को 5 बजे धूप चली जाती है। तो मैंने कपड़े अपने धुल करके डाल रखे हैं, पता नहीं वो सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। बाकी मैंने ब्लॉग जो था दमोली आने वाला वो मैंने शूट किया था, बट वो बहुत छोटा ब्लॉग था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा था, हार्डली चार या 5 मिनट का ही ब्लॉग होगा वो, तो इसलिए मैं उसे अपलोड नहीं कर रहा था। आज मैं इस वीडियो के साथ उस ब्लॉग को भी लिंक कर दूंगा, और नोट के जो ब्लॉग्स हैं वो मैं एक साथ ही अपलोड कर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे अभी बच्चों को छोड़ने जाना है स्कूल, और बच्चे रेडी हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ जब मैं स्कूल जा रहा हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, और सब काम ख़त्म हो चुका है, आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि आज मैंने अपने सारे कपड़े जो थे वो धुल दिए, जो जितने भी गंदे कपड़े थे सब साफ़ हो चुके हैं, और उसके अलावा मैंने थोड़ा काम भी कर लिया घर का ख़त्म। तो अब मैं कल यहाँ पे कुछ फंक्शन है उसे मैं अटेंड करूँगा, और उसके बाद में मैं शायद परसों या एक दो दिन बाद में फॉर श्योर मैं निकल जाऊंगा पोखरा के लिए। आगे की जर्नी कैसी होती है आई डोंट नो, बट अभी बच्चे घर आ गए तो मैंने उन लोगों को चाव चाव बना के खिला दिया। मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए अभी, मतलब टाइम तो पाँच बज रहा है बट डिनर टाइम मतलब खाना बनाने के लिए मतलब सब रेडी करना पड़ता है, तो खाना बनाने के लिए सब कुछ रेडी करेंगे अभी हम लोग, और उसके बाद में हम लोग डिनर कर लेते हैं अप्रॉक्स 7 बजे के आसपास, 7-7.5 बजे तक हम लोगों का डिनर ख़त्म हो जाता है, तो 8 बजे तक वी आर ऑन द बेड, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ एंड आई एम नॉट इन अ मूड टू शूट एनीथिंग। तो आज डिनर की तैयारी कराने में थोड़ी सी हेल्प करूँगा, और उसके बाद में फिर खाना खा के सो जाऊँगा 7:30 बजे, क्योंकि कल मिलता हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बूम।